नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जयपुर लिए चलते हैं। अनशन पर पूजा चावड़ा, सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे सीएमआर। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के लिए आंदोलनरत है चावड़ा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अनशन समाप्त कर सकती है। आज सुबह पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर पहुंचे थे एसएमएस हॉस्पिटल। राठौर ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पूजा चावड़ा से की थी मुलाकात। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पूजा चावड़ा अनशन पर हैं। तबियत बिगड़ने के बाद से पूजा चावड़ा एसएमएस अस्पताल में भर्ती थी। शराबबंदी आंदोलन को लेकर चर्चाओं में रही पूजा छाबड़ा इस वक्त एसएमएस की इमरजेंसी मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से एसएमएस अस्पताल में पूजा छाबड़ा का इलाज चल रहा है, जो कि सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी हुई है। उन्होंने अन्न छोड़ रखा है और इसी के चलते उनकी तबियत बिगड़ी थी, उनको एसएमएस अस्पताल लाया गया था। अभी कुछ ही देर बाद में पूजा छाबड़ा को यहाँ से सीएमआर ले जाया जाएगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करेंगे। पूजा जी से बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, कैसी तबियत आपकी अभी इस वक्त, और अभी धर्मेंद्र राठौड़ जी आपसे मिले थे, क्या आश्वासन दिया गया? तबीयत तो अभी कमजोरी है, 53 दिन हो गए अंत्याग के संकल्प लेकर। 53 दिन ये हो गए और 15 दिन पहले मैंने आमरण अनशन किया था। धर्मेंद्र राठौर जी लगातार संपर्क में थे, स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी फ़ोन पे बातचीत हो गई थी। वो भी चिंतित थे स्वास्थ्य को लेकर, और उम्मीद करती हूँ गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं जो अनशन को और सत्याग्रह को समझते हैं, और विश्वास है कि मेरी भावनाएं उन तक पहुंची हैं, कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को एक गति और एक नई दिशा मिलेगी। मैडम, क्या डिमांड आपकी और क्या मानते हैं कि वो डिमांड पूरी होने लायक है या नहीं है किसी? बिल्कुल, सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग 40 वर्षों से चल रही है और सूरतगढ़ अपना पूरा मापदंड पूरा करता है, उसके बावजूद भी सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। और उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा की, आने वाले समय में अगर कोई भी जिले की घोषणा करें तो उनसे अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सूरतगढ़ को जिला जरूर बनाएं। क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा सकारात्मक रूप दिखाएगा ताकि आप अन्य जो आपका अनशन है उसे समाप्त करें? हाँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी भावनाएं मुख्यमंत्री जी तक जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँच भी गई हैं, और बातचीत के द्वारा कोई ना कोई रास्ता मिलेगा तो जरूर अन्न का जो त्याग का संकल्प लिया उसको मैं समाप्त भी कर सकती हूँ। बीपी मीणा जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको यहाँ से सीमा ले जाए, कैसे स्टेबल कंडीशन है मैडम की और क्या मेडिकल रिपोर्ट करी है? मैडम, काफ़ी दिनों से इमरजेंसी स्पेशलिटी आईसीयू में भर्ती हैं, और अभी जब इनको यहाँ पे लाया गया है तो वाइटल्स जो है वाइटल्स के हिसाब से ठीक है, बट हाँ, एग्जॉस्टेड और थोड़ी सी वीकनेस तो है। तो अभी 8% जो अभी इनके वाइटल्स देखे हैं उनमें शुगर 91 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है, पल्स 77 है, और थोड़ा सा जो भी थोड़ी हाइपोवॉल्यूमिक फील हो रही है, मतलब थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम है। अभी इमरजेंसी में रखा गया है इनको, क्या कारण है यहाँ से और फिर यहाँ से भी इमरजेंसी सीएमआर भेजा जाए? एक्चुअली इमरजेंसी में रखने का कारण तो यही है कि डायरेक्टली आईसीयू से सीएमआर भेजना थोड़ा सा रिस्की है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो एक बार इमरजेंसी में रह के वाइटल्स देख लें कि भाई ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो एक बार प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन करके और इनके स्वास्थ्य को लेके जो भी शुरुआती जो जाँचें हैं वो कर लें तो संतोषजनक तरीके से अगर हैं तो ही फिर अपन मूव कर पाएंगे। तो देखिए, ये डॉक्टर्स हैं, साथ में पूजा छाड़ो से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन डिमांड है, और उम्मीद जताई है कि आज जो उनकी लंबे समय से जो मांग चल रही थी उस मांग को लेकर सकारात्मक रूप दिखाया जाएगा ताकि जो उनका आंदोलन है वो भी वो समाप्त कर सके। कैमरा पर्सन ओजस के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। अन्य चार्ज रखा है उन्होंने, तो नेचुरली ये थोड़ा वजन लॉस होता है, बाकी डॉक्टर्स बराबर देख रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं वो, और उनकी जो मांग है उन मांगों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा निवेदन किया, पूरी तरह से वो अवेयर हैं, और चूँकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी खुद अभी अस्वस्थ हैं, उनके पैरों के दोनों अंगूठों पे फ्रैक्चर है, तो फिर भी वो इतने संवेदनशील हैं कि जो भी राजस्थान में छोटा मोटा आंदोलन भी करता है उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, खुद वो गांधीयन आइडियोलॉजी से ओतप्रोत हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बराबर संपर्क में पहले से भी पूजा जी के, जब जब भी शराबबंदी आंदोलन जब इन्होंने किया तब भी एक तरह से जो गांधीयन फिलोसफी के तहत ही ये
शराबबंदी की बात उठाती रही है, उसको भी हमने पूरा सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा सपोर्ट किया। और आज अभी इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ होने के बाद भी आपका कहना था कि अगर मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हूँ, तो अभी मुख्यमंत्री जी मिलेंगे उनसे और उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस अपने उसी ऊर्जा के साथ काम में लगेगी। और क्योंकि ऐसे बहुत कम सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो सोशल कोज के लिए, जो दूसरों के कोज के लिए आंदोलन करते हैं, तो हमारी ओर से ये पूरी कोशिश है ऐसे सभी आंदोलनकारियों को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने सदैव उनका साथ खड़े रहे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, अभी आप पहुंचे थे, आपने मुलाकात भी की, बातचीत की पूजा चावड़ा से, कितनी देर में सीएमआर के लिए रवाना किया जाएगा उन्हें? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संवेदनशील जो है वो देखा गया आज, अभी कुछ देर पहले जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौर, वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा छाबड़ा से मुलाकात की थी। उनके आग्रह के बाद में अब पूजा छाबड़ा जो है एसएमएस अस्पताल से सीएमआर पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। जो उनकी मांग है, तकरीबन 53 से 54 दिन से अन्न त्याग रखा है पूजा छाबड़ा ने, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। वहां मुलाकात करके वो सूरतगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है उस पर अपना पक्ष वो रखेंगे। हालांकि स्वच्छ से बातचीत में पूजा छाबड़ा ने कहा भी कि उनकी जो मांग है वो पिछले लंबे समय से क्षेत्र की ये मांग है, जिसको लेकर के वो संघर्षरत है। उनको उम्मीद है गांधीवादी मुख्यमंत्री से कि जो उनकी मांग है उसको सकारात्मक दिखाते हुए उस पर जल्द से जल्द उसको फैसला लिया जाएगा और सूरतगढ़ को जो जिला बनाने की मांग है वो धरातल पर उतरेगी। जी विकास, जैसा कि हमने, आपने जब पूजा छाबड़ा से बात की, उन्होंने साफ कहा कि 40 वर्षों से मांग चली आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंतित हैं उनकी तबीयत को लेकर के भी, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़िंग हैं, सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग कर रही हैं। आरटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि खुद सीएम गहलोत के दोनों पैरों के अंगूठे में चोटें आई हुई हैं। ऐसे में क्या मुमकिन है विकास, यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, या फिर जब तक सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग का ऐलान, जो मांग कर रही है उसका ऐलान नहीं हो जाता, तब तक पूजा छाबड़ा अपना अनशन खत्म नहीं करेंगी? देखिए, आज जो अस्पताल संकेत मिले थे उससे यह है कि पहले आज बातचीत होगी और संभवतः तो उनका अनशन जो है पूरी आज समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ही धर्मेंद्र राठौर जो है अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात करके पूरा आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी मांगों के प्रति काफी संवेदनशील है, हर पक्ष हर चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है फैसला लेगी। उसकी बाद में ही जो पूजा छाबड़ा जो है वो सीएमआर पहुंची है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए, और इसी दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि जो उनका आश्वासन दिया गया उसी से उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कुछ ही देर के अंदर अनशन जो है वो समाप्त कर सकती है, अनशन समाप्त करने के साथ ही जो उनका आंदोलन है वो भी समाप्त हो सकता है। जी विकास, अनशन समाप्त होने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में भी कोई जानकारी है क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब उनकी बातचीत हुई थी तो क्या कुछ कहा गया था सीएम की ओर से? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले सीएमआर पहुंची है पूजा छाबड़ा, अब वहां पर जो मुलाकात होगी, मुलाकात के बारे में हम मुलाकात की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, साथ में क्या बातचीत होती है, आगे क्या रुख रहता है, वो सभी चीजें हम आपको अपडेट करेंगे। अभी मुख्यमंत्री आवास पर पूजा छाबड़ा पहुंच चुकी है, वहां पर पहुंच करके अब से मुलाकात जो है कुछ ही देर में होने वाली है। जी चलिए विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, पूजा छाबड़ा सीएमआर पहुंची है, क्या मुलाकात हुई सीएम से? कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात होने वाली है, सीएम हाउस वो पहुंच चुकी है और यहाँ पे उसके बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो औपचारिक रूप से उनका अनशन है वो खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ है, वो फिलहाल चल नहीं सकते, उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसके बावजूद उन्होंने पूजा छाबड़ा को अपने आवास पर बुलाया है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो अनशन पे थी, उनकी भी तबीयत खराब थी। और जिस तरह से सूरतगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है, पहले भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के लोगों ने लगातार मांग उठाई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कहा था कि जो जन भावनाएं हैं उनके अनुसार फैसला होगा, तो इनकी जो मांग है उसको भी किस तरह से आगे पूरा किया जा सकता है, क्या ठोस आश्वासन हो सकता है, क्या भरोसा दिया जा सकता है, ये देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश रहेगी कि खासकर जिले बनाने के मामले को लेकर जो भी जन भावना है उसके अनुरूप फैसला हो। हालांकि पहले 19 जिलों की घोषणा हुई थी और उनमें भी कईयों का। चलिए नरेश जी।